अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौर स्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2004 से हम आपको जो है डेली रेट यू के इंटरेस्ट अपडेट देते हैं, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। लाहौर स्मार्ट सिटी के रेट हम वीडियो में अब आपको देते हैं, इसी तरह हम DHA के बाकी भी प्रोजेक्ट में जिन जिन प्रोजेक्ट में काम करते हैं उनमें इंशाल्लाह आपको इस तरह अपडेट करेंगे। ये अभी जो है सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, पहले इसको ज़रा फाइन ट्यून कर लें, फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी हम देखते हैं जहाँ जहाँ हम डील करते हैं, थोड़ा टाइम दें, उस पर काम हो रहा है। दोस्तों मजमूई तौर पे आज लाहौर स्मार्ट सिटी की जो है मार्केट काफ़ी अच्छी रही, बाहर काफ़ी ज़्यादा था, ख़ास तौर पे कमर्शियल में काफ़ी ज़्यादा बाहर था। पहले रेट पे आपको ले जाते हैं, बाद में एंड के ऊपर जो है ना मैं वो तबसरा करूँगा जो भी चेंजेज़ होंगी, आपको पता चले ना हुआ क्या है, तो फिर उसके बारे में डिस्कस करना बनता है। एंड पे जो है वो तबसरा करेंगे कि आगे क्या एक्सपेक्टेड है। तो रेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज 18 लाख रुपए वाली जो रेजिडेंशियल एग्जेक्टिव 5 मरला थी, ये 18 लाख वाली बुकिंग जो है इसका 940 का बायर था, 980 का सरा था। कल से रेट इसका अप है, जनरली बायर काफ़ी ज़्यादा था। आज पूरी मार्केट में कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी और दूसरी भी प्रोजेक्ट्स में आज बाइंग थी, इसमें 78% जो है वो बायर था और 22% सेलर था। ट्रेंड मजबूत तौर पे अब था। 19 लाख वाली बुकिंग का 925 का बायर था, 975 का सेलर था, इसकी भी प्राइस कल की निस्बत हायर थी। आज जो 2160 वाली बुकिंग है इसमें 8 लाख का बायर था, 840 का सेलर था, ये थोड़ी सी को 8-10 हज़ार नीचे थी कल की निस्बत जो है। इसके बाद आ जाते हैं 2280 वाली बुकिंग जो है, इस पर भी 8 लाख का बायर था और 850 के ऊपर सेलर मौजूद था, रेडी टू सेल था। तो इन बिटवीन डील होती है, जो भी ये रेट हैं ये अप्रोक्सीमेट रेट हैं, इनके मिडल में कहीं पे डील होती है, बायर सेलर को मैच हम करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 5 मल्ला एग्जेक्टिव जो है, 2685 वाली बुकिंग जो है फ्रेश बुकिंग है, इसमें आपको डाउन पेमेंट 10% देनी है। 6 लाख रुपए का जो है बायर मौजूद था मार्केट में, आज 650 का सेलर मौजूद था, 78% बायर और 22% सेलर, यहाँ पे भी एवरेज तकरीबन इसकी यही थी। 5 मल्ला ओवरसीज जो है 2845 का जो है इसका जो है बुकिंग है, 10% डाउन पेमेंट चाहिए, 6 लाख का इसका बायर मौजूद था बाय करने के लिए और सदर जो है रेडीली अवेलेबल थे 640 पे, कल से रेट डाउन था इसका जो है। 7 मल्ला एग्जेक्टिव पे आ जाते हैं, 2820 की जो बुकिंग थी, 20% डाउन पेमेंट इसके लिए चाहिए, 650 का इसका बायर था, 7 लाख इसका रेट था, नो चेंज, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी, कम ट्रेडिंग थी इसमें आज। इसी की 7 मल्ला की ओवरसीज़ की जो बुकिंग है 29,75,000 रुपये की है, 20% आपने डाउन पेमेंट देनी है, 660 का इसका बायर मौजूद था और 7 तारा इसका सेलर था, ये थोड़ी बहुत इससे नीचे भी मिल सकती है 10-15 हज़ार। 7 मल्ला एग्जेक्टिव जो है 3490 वाली जो बुकिंग है 20% डाउन पेमेंट के साथ, 540 डाउन चाहिए और 5,40 का बायर था और 6 लाख का जो है वो सेलर था, कल से थोड़ा सा रेट इसका बेहतर था। फ्रेश बुकिंग जो है ना लोग ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि डाउन पेमेंट कम देनी पड़ती है। ओवरसीज़ जो है 37 लाख रुपए का जो है बुकिंग जो है, इसके लिए डाउन पेमेंट 20% चाहिए थी और 525 का इसका बायर था, 565 का इसका जो सेलर था, कल से 5,000 पे डाउन थी। एग्जेक्टिव जो है 10 मल्ला आ जाते हैं, इस पर 33 लाख की बुकिंग, 20% डाउन पेमेंट चाहिए और बायर 16 लाख का था, सेलर 16.5 लाख का था। बायर परसेंटेज जो है ना थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, लेकिन रेट डाटा चेंज करने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, मैनुअली ये करना पड़ता है सब कुछ, तो बीच में एरर भी होते हैं टाइपिंग के,
तो इसलिए मैंने उसको जनरली आपको आइडिया गैस देना है। अब एक्यूरेट नंबर तो आपको नहीं चाहिए, ये स्टॉक एक्सचेंज हो रही है। 34 लाख की बुकिंग जो है दशमलव ओवरसीज़ की, 15-40 का बायर मौजूद था, 16 का सेलर मौजूद था। बेसिकली थोड़ा आपको आइडिया देते हैं चीज़ों का, रफ सा आइडिया हो जाए कि किधर जा रही मार्केट, क्या रेट चल रहे हैं। बाकी जो आप कॉल करते हैं तो बाहर के पैसे टोकन शोकन हाथ में आए तो बंदा काम करता है, फिर जो है ना सही रेट आपको मिलता है, जो भी इसके ऊपर नीचे होता है, विद एन आवर भी रेट चेंज होते हैं। 39-60 की बुकिंग जो है 12:30 का जो है इसका बायर मौजूद था, 13:20 का सेलर मौजूद था। 20% डाउन चाहिए जो है। मार्केट जो है उसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है, कई दफ़ा आवरली रेट चेंज हो जाते हैं, तो ये रेट जो है ये आइडिया आपको गैस देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रेट जो है ना वो डील के वक्त जब टोकन शोकन आता है तो हम सर्च करते हैं, बायर सेलर को मैच करते हैं, अपनी फाइलें हम नहीं सेल करते, बायर सेलर को मैच करते हैं। दस मरला जो है एग्जेक्टिव की जो है 49:45 की जो बुकिंग है इस पर 10% सिर्फ डाउन पेमेंट चाहिए, और ये फ्रेश बुकिंग है। 7:25 जो है इसके लिए जो है बायर मौजूद था और 7:75 पर सेलर मौजूद था। देखिए 50,000 रुपये के डिफरेंस से हम लोग जो है ना आपको रेट दे रहे हैं, तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं कोई डील हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन के हाउ क्विक यू आर, कितनी हरी में आप बाय के लिए और कितनी हरी में आप सर के लिए। 10 मरला ओवरसीज जो है 53,25,000 वाली बुकिंग जो है वो 7:20 का जो है इसका जो है वो बायर मौजूद था, 7:85 का इसका सेलर मौजूद था। बायर सेलर मार्केट में रहते हैं, हम अपनी फाइलें नहीं सेल करते, हमारी कोशिश होती है विद इन लॉरी स्टेट आपका बायर सेलर को मैच करें ताकि मिडल मैन कम से कम हो। 43:80 की जो 12 मरले की एग्जैक्टिव की बुकिंग है ये 20% डाउन पेमेंट के साथ, 11:60 का बायर मौजूद था, 12:50 का जो है इसका सेलर मौजूद था। अच्छी बाय है 7 मरला और 12 मरला रिकमेंडेड है लॉरी स्टेट की तरफ से। कुछ मज़ीद रिकमेंडेशन मैं आपको देता हूँ, चीज़ें डिस्कस करते हैं। 12 मरला ओवरसीज जो है 45 लाख वाली बुकिंग जो है ये 20% डाउन पेमेंट चाहिए, 11:90 का इसमें बायर और 12:40 का इसमें सेलर मौजूद था। 12 मरले एग्जेक्टिव जो है इसके लिए रश बुकिंग के लिए 10% आपको डाउन पेमेंट देनी है और 7 लाख आपको बायर इस पर मिल जाता है अगर सेल करनी हो, और अगर बाय करनी हो तो सेलर जो है अवेलेबल है 7.75 का मार्केट में। कल से रेट इसका अप था मजमुई तौर पर। 57:50 की जो बुकिंग है 10% के साथ 12 मरला की, 6.75 का इसमें बायर था और 7:40 का इसका सेलर था, कल से रेट अप है इसका भी। 1 नाल एग्जेक्टिव पुरानी बुकिंग जो 54 लाख की थी, जो कि मैंने बहुत सारे सैकड़ों लोगों को लेके दी थी, माशाल्लाह 28 लाख का इसका आज बायर मौजूद है, 29 लाख का इसका सेलर मौजूद है, कल से कोई खास चेंज नहीं आई इसमें जो है ना। लोग ऊपर मांगते हैं लेकिन 29 तक का ही जो है ना वो सेलर मिल जाता है, हो सकता है थोड़ी कोशिश करें कि इससे भी नीचे मिल जाए। 1 नाल का ओवरसीज जो है 55 लाख वाली बुकिंग 20% डाउन पेमेंट के साथ, 28:25 का बायर मौजूद था, 29 लाख का सेलर मौजूद था। कई लोग 30 मांगते हैं, कई 31 मांगते हैं, लेकिन 29 तक डील हो जाती है, 29 से भी थोड़ी पॉसिबल है 10-15-20 छुड़ाया जा सके। 1 नाल एग्जेक्टिव जो 64:80 के ऊपर जो है ये इसकी बुकिंग हुई थी, 20% डाउन पेमेंट, 20,50,000 का बायर, 21,50,000 का सेलर, ये कल से ज़्यादा डिमांड पे थी आप पे रेट इसका। 1 नाल के जो ओवरसीज़ के प्लॉट हैं 66 लाख रुपए के जो बुकिंग है इसमें 20% डाउन पेमेंट, 20,50,000 जो है इसमें बायर और 21,50 पे इस पर सेलर। लोग पूछते हैं ओवरसीज़ एग्जेक्टिव में फ़र्क क्या है, दोनों में लोकेशन का फ़र्क है, ओवरसीज़ की लोकेशन बहुत प्राइम है। 80,50,000 वाली जो बुकिंग है उस पर 10% जो है वो डाउन पेमेंट चाहिए, फ्रेश बुकिंग में 15,20,000 रुपये का बायर मौजूद है, 15.75 का सेलर मौजूद है। देखें 50,000 रुपये हम आपके लिए फाइट करके मज़ीद इसको बेहतर करते हैं, आपको अच्छी चीज़ लेके देते हैं या बेचते हैं सही प्राइस पर।
एक नाल का ओवरसीज जो है 89,84,90 का जो बुकिंग है वो 10% डाउन पेमेंट के साथ हो जाता है। 15,10,000 का बायर और 16 लाख का इसमें सेलर मौजूद है। कल से इसका रेट चेंज नहीं हुआ। कमर्शियल की तरफ आते हैं, 4 मरला कमर्शियल आज सुपर आर्ट था, 58 का इसका बायर था, 60 का इसका सेलर था, लोग 62 तक भी मांग रहे थे, 61 भी मांग रहे थे, ट्रेड भी शायद कुछ बीच में एक दो हो गए हों। मजबूत तौर पर बायर ज़्यादा था सेलर की नस्बत, 58 पे सेलर इजीली अवेलेबल था और सॉरी बायर इजीली अवेलेबल था और 60 पे सेलर मिल जाता है। इसी तरह ओवरसीज़ का जो है इसका 4 मरला वो तकरीबन यही रेट है, दोनों तकरीबन एक ही तरह का रेट बनता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए गैप, इनका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, लोकेशन मैटर करती है आखिर, लोकेशन 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 प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। 8 मरला में आ जाएँ तो इधर भी जो है 87 तक का बायर था एग्जेक्टिव का जो है 8 मरले का, और 92 का सेलर था जो है ना, सेलर काफ़ी ऊपर निकल गया, कम सेलर हैं बायर ज़्यादा हैं। ओवरसीज़ में बायर 89,50 तक का मौजूद था और सेलर जो है वो 92 डिमांड कर रहे थे और ट्रांसेक्शन भी इस पे हुई है आज इस प्राइसेस के ऊपर जो है। मार्केट जो जो ईद करीब आती जा रही है ये बेहतर होती जा रही है, गेन करती जा रही है और शायद आगे मज़ीद भी गेन करे। इंस्टॉलमेंट के जो भी प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में वो मोमेंटम पकड़ रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उनमें ही जो है वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्योंकि लो बजट में इनिशियल पेमेंट्स जो हैं वो काफ़ी कम है निस्बतन। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में जाते हैं 2-2, 3-3 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टीज हैं तो वहाँ से लोग जो है ना ये कमर्शियल को भी लाइक करते हैं, इंस्टॉलमेंट का फैक्टर भी जो है वो आपको फ़ायदे देता है। तो बेसिकली आपको चाहिए ये कि आप ये अगर कोई चीज़ यहाँ पे है तो मुझे लोग पूछते हैं सेल कैसे करना है, आपने बताया तो था मैं 9 लाख पे आप 4 मरला ले लें और 6 लाख पे 8 मरला ले लें, जो आज 1 करोड़ को टच करने की कोशिश कर रहा है 8 मरला, इंशाल्लाह कर जाएगा, यही तक 1 करोड़ रुपये प्लस का होगा 8 मरला। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जिसको होल्ड करें, अभी आपको प्रोजेक्ट का सही तरह अंदाज़ा नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ इसकी जो है ना पूरी वीडियो बनाऊँ, एक डीप स्टडी की मैं वीडियो तो आपको जो पता है बनाता होता हूँ उसमें मैं हर चीज़ उसकी कवर करता हूँ, इसकी भी इंशाल्लाह करते हैं। इस वीडियो में अगर मैं करूँगा तो फिर लंबी वीडियो हो जाती है, लोग इतराज़ करते हैं कि वीडियो लंबे हो गए, अब इतने सारे रेट हैं तो साथ में जितनी की इंफॉर्मेशन मैं दे सकता था मैंने दी है, टाइम जितना मिलता है उसमें कोशिश करता हूँ, तो कोशिश है कि मुख्तसर वीडियो हो, टू दी पॉइंट हो और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने दोस्तों को हमारे ग्रुप्स में व्हाट्सएप में ज्वाइन करने की दावत दें, आप खुद भी ज्वाइन करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हुए तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, हम वहाँ पे सारा दिन आपको प्रॉपर्टी की एक से एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स दे रहे होते हैं, आंसर्स दे रहे होते हैं, अपडेट दे रहे होते हैं। ये वीडियो बनाने में टाइम लगता है और टाइम कभी कभी नहीं मिलता, तो इसलिए आप व्हाट्सएप पर जो है ना आपको ज़्यादा अच्छे अपडेट मिलते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का, लाइक करने का, अल्लाह हाफिज़। बाइंग सेलिंग के लिए जो भी हो हमें याद रखें, अल्लाह हाफिज़।